वेलकम एवरीवन इन केमी क्लास। आज हम पढ़ने वाले हैं अबाउट ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, जिसमें हम देखेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ एक्टिवेटेड CH ग्रुप, जिसमें हम ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजैलिक सिस्टम, ऑक्सीडेशन ऑफ एलैलिक सिस्टम और ऑक्सीडेशन ऑफ CH2CO सिस्टम के बारे में स्टडी करेंगे। शुरू करने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि क्या होता है एलैलिक और बेंजैलिक सिस्टम। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि क्या होता है एलैलिक सिस्टम। एलैलिक सिस्टम यानी एलैलिक ग्रुप इज़ अ ग्रुप ऑन अ कार्बन विच इज़ एडजेसेंट टू द डबल बॉन्ड। यानी एलैलिक ग्रुप वो ग्रुप होता है जो एडजेसेंट होता है डबल बॉन्ड के, जैसे कि एलैलिक हाइड्रोजन, एलैलिक क्लोरीन, ये एग्जांपल है थ्री क्लोरो ब्यूटेन वनिन का। अब देखते हैं कि बेंजैलिक सिस्टम क्या होता है। मान लीजिए आपके पास एक बेंजीन ग्रुप है जिसे अटैच है एक CH OH एंड एच, ये है वन फिनाइल इथेन वन ऑल। इसमें ये जो OH ग्रुप है ये बेंजैलिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, एंड ये जो हाइड्रोजन है ये है बेंजैलिक हाइड्रोजन। तो इसका डेफिनेशन क्या हुआ, बेंजैलिक ग्रुप इज़ अ ग्रुप ऑन अ कार्बन एडजेसेंट टू अ बेंजीन रिंग और सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग। शुरुआत करते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजैलिक सिस्टम से। मान लीजिए आपके पास 1,4 ज़ाइलीन है जो रिएक्ट करता है पोटेशियम डाइक्रोमेट से इन सल्फ्यूरिक एसिड और पोटेशियम परमैंगनेट की मदद से, तो आपके पास क्या आ जाएगा, बेंजीन 1,4 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। आप फिगर में देख सकते हैं गाइस रिएक्शन को, आप नोट डाउन कर लें वीडियो को पॉज करके, कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछें। यहाँ पे बेंजैलिक पोजीशन का ऑक्सीडेशन हो जाता है। एक अनदर एग्जांपल कंसीडर करते हैं जिसमें 1,4 ज़ैलीन रिएक्ट विद द ट्राइऑक्सोक्रोमियम इन प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड इन एसिडिक मीडियम, सेकेंड इन वाटर एंड H2SO4। तो आपको जो प्रोडक्ट मिलता है वो आपको बेंजैलिक सिस्टम पे ऑक्सीडेशन वाला प्रोडक्ट मिलता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको 1,4 ज़ैलीन का ऑक्सीडेशन करने पे बेंजीन 1,4 डाइकार्बोल्डिहाइड मिल गया है। अब हम देखेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ एलैलिक पोजीशन। एलैलिक पोजीशन ऑफ डेक फाई इन, अब जो यहाँ पे एलैलिक पोजीशन है डेक फाई इन का, वो रिएक्ट करते हैं हम सिलेनियम डाइऑक्साइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ द पिरिडीन एंड डाइक्लोरोमीथेन। इट्स गिव अस ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट, जिससे कि हमें ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट मिल जाता है डेक फाइव इन फोर ऑल, यह हमारा प्रोडक्ट है। एज यू कैन सी, ये जो ऑक्सीडेशन ऑक्योर हुआ है एट द मोर सब्स्टिट्यूटेड एंड ऑफ द डबल बॉन्ड, ऑक्सीडेशन मोर सब्स्टिट्यूटेड एंड ऑफ द डबल बॉन्ड ही होगा। आप ये रिएक्शंस को नोट डाउन कर लें। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ CH2CO ग्रुप। इसमें क्या होता है कि जो एक्टिवेटेड CH ग्रुप होता है वो एडजेसेंट होता है कार्बोनाइल ग्रुप के। यानी आप यहाँ देख सकते हैं C डबल बॉन्ड है, उसके एडजेसेंट में CH3 ग्रुप है, तो ये एक एक्टिवेटेड CH ग्रुप है। इसका ऑक्सीडेशन हम करते हैं सिलेनियम डाइऑक्साइड के साथ। एग्जांपल लीजिए, मान लीजिए आपके पास 1 फिनाइल इथेन 1 ऑन है जो रिएक्ट करता है सिलेनियम डाइऑक्साइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ द 1,4 डाइऑक्सिन एंड वाटर।
जिससे कि आपको ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट मिलता है टू ऑक्स टू फिनाइल एसिटाल्डिहाइड। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो रिएक्टिविटी है मिथिलीन की, द रिएक्टिविटी ऑफ मिथिलीन ग्रुप इज मोर देन मिथाइल ग्रुप फॉर SCO2। यानी SCO2 के साथ मिथिलीन ग्रुप का रिएक्टिविटी ज़्यादा है। गाइस आप वीडियो को पॉज करके सारे रिएक्शंस नोट डाउन कर लें, कुछ भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछें। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।